जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन ने सोमवार को रामगढ़ ताल स्थित बन रहे एसटीपी वाटर स्पोर्ट्स के कार्य का औचक निरीक्षण किया। इसी के साथ ही डीएम ने नौकायन केंद्र के लेकव्यू सहित मुख्यमंत्री के विकास कार्यों में शामिल योजना के कार्यों की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण भी किया और संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्र, जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडे ने बताया, तो सुबह गया था रामगढ़ ताल का निरीक्षण कराने के लिए। रामगढ़ ताल में खासतौर पर दो तीन शिकायत था, वहाँ का एसटीपी का फंक्शनल लेते हुए, यानी एसटीपी वहाँ दो है, 30 मंडी का और 15 मंडी का, और यहाँ का तकरीबन 6-7 नाला है, उसी के माध्यम से पानी का जो शुद्ध होते हुए तो फिर पानी गिरता है। एक निरीक्षण उसका किया था। दूसरा जो पर्यटन विभाग माध्यम से 3-4 प्रोजेक्ट वहाँ ला रही है। एक तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रही है 40 करोड़ रुपया में, उसका एक डेमोलिश कराना था ताकि पुराना जो वहाँ भवन है वो तो स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग का था, विभाग का भवन का डेमोलिश कराने का था, उसको मैं आदेश कर रखा था। अभी 1 सप्ताह 10 दिन में वो काम प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे वहाँ का वहाँ जो एक जो बोर्ड इत्यादि वो उसका खड़ा करने के लिए एक जगह था, लॉन्चिंग पैड है, उसी का भी देखा था, उसको सौंदर्यीकरण हो रहा। तीसरा वहाँ का एक बड़ा 100 फुट 200 फुट का झंडा जो लगाने के लिए काम चल रहा था, वो भी प्रगति पे है, बट काम तो धीमे है, इसलिए तो हमने तो निरीक्षण करा करके सबको चेतावनी दिया है ये काम को तेजी कराए, ताकि हम लोग अप्रैल अंत तक इसको काम करा थोड़ा एक रूपरेखा देंगे, अब गर्मी के पहले ये जनता के लिए सुविधा के रूप से उपलब्ध कर सके।